गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट. इन द चैप्टर थर्ड सब्ट्रैक्शन इन एक्सरसाइज 3.3 अप टू द क्वेश्चन सेकंड वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड. टुडे वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज 3.3 नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्ड. द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन नंबर थर्ड इज बेटा फ्रॉम द सम ऑफ सम. सम मीन्स क्या होता है? फ्रॉम द सम. सम मीन्स होता है प्लस करना. फ्रॉम द सम ऑफ 3,863 एंड 5,427. इन दोनों का हमें क्या करना है? सम. सब्ट्रैक्ट. फिर क्या करना है हमें? सब्ट्रैक्ट करना है. द सम किसको सब्ट्रैक्ट करना है? द सम ऑफ 4,128 एंड 2,181. दिस क्वेश्चन इज डिफरेंट क्वेश्चन. क्या करना है यहाँ पे हमें? थ्री वर्क करने हैं. कितने वर्क करने हैं? थ्री वर्क. फ्रॉम द सम ऑफ 3,863 एंड दिस 5,427. इन दोनों का पहले क्या करना है? सम करना है. सम मीन्स क्या होता है? प्लस करना है. इन दोनों नंबर को क्या करना है? प्लस करना है. फिर प्लस करने के बाद क्या कह रही है? सब्ट्रैक्ट करो. किस में से सब्ट्रैक्ट करो? द सम ऑफ किसको सब्ट्रैक्ट करना है? फिर किस नंबर को? वहाँ पे भी अगेन सम आ गया. सम ऑफ दिस एंड दिस. इट मीन्स पहले हमें इन दोनों का सम करना है, फिर इन दोनों का सम करना है, और फिर जो यहाँ से दोनों आंसर्स आएंगे और यहाँ से दो आंसर्स आएंगे उन दोनों को फिर क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है. सो द सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम? पहले हम करते हैं सम ऑफ 3,863 एंड 5,427. पहले हम इन दोनों का सम निकालते हैं. वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड 3,863. सेकेंड नंबर बेटा हमारा 5,427. इन दोनों का क्या करना था हमें? सम करना था. सम मीन्स इन दोनों नंबर को क्या करना है? प्लस करना है. 3 प्लस 7. 7 में 3 ऐड करो या 3 में 7 ऐड करो, व्हाट विल कम? 10. हाउ मच कैरी? 1. 6 प्लस 2 8. 8 और 1 कैरी 9. 8 प्लस 4 12. हाउ मच कैरी? 1. 3 प्लस 5 8. 8 और 1 कैरी 9. विच आंसर वी गोट? 9,290. 9,290 क्या आया? इन टू नंबर्स का क्या आया? सम आया. अब आगे हमें क्या करना है? ये है हमारा फर्स्ट वर्क. ये है हमारा फर्स्ट वर्क. अब हम सेकंड वर्क करेंगे. सेकंड वर्क क्या करेंगे हम? सम ऑफ 4,128 एंड 2,181. इन दोनों का भी हम क्या निकालेंगे? सम. वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड 4,128 प्लस करेंगे उसमें 2,181. इन दोनों को क्या करेंगे हम? प्लस. 8 प्लस 1 9. 8 प्लस 1 9. 8 प्लस 2 10. 1 कैरी. 1 प्लस 1 2. 2 और 1 कैरी 3. 4 प्लस 2 6. अगेन चेक करो. 8 प्लस 1 9. 2 प्लस 8 10. 10 और 1. 10 के लिए हम 0 लिखेंगे, 1 कैरी जाएगा. 1 प्लस 1 2. 2 और 1 कैरी 3. 4 प्लस 2 6. इसका भी एडिशन चेक करो. 3 प्लस 7 10. 10 के लिए 0, 1 कैरी. 6 प्लस 2 8. 8 और 1 कैरी था हमारे पास, क्या आया? 9. 8 प्लस 4 क्या हुआ? 12. 12 के लिए 2, 1 कैरी जाएगा. 5 प्लस 3 8 और 1 कैरी 9. अब हम इन दो हमने क्या टू वर्क कर लिए. हमने इन दोनों का सम निकाल लिया और इन दोनों का सम निकाल दिया. अब क्या करना था कि जो दो नंबर्स का सम आएगा, फर्स्ट टू नंबर्स का जो सम आएगा उसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है जो सेकंड नंबर्स का सम आया. अंडरस्टैंड?
तो अब थर्ड वर्क करना हमें, क्या करना हमें, थर्ड वर्क। अब हम क्या करेंगे, 9290 माइनस, सब्ट्रैक्ट मीन्स क्या होता है, माइनस, 9290 माइनस 6309, 6309, ones, tens, hundred, thousand, 9290, 6309 सब्ट्रैक्ट करना है। 9 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 0 नॉट पॉसिबल, सो वी हैव टू टेक द बोरो फ्रॉम द नेक्स्ट प्लेस। 9 से हमने बोरो लिया, 9 बन गया 8 और 0 बन गया 10। 10 में से अब 9 सब्ट्रैक्ट किया, व्हाट विल कम, 1। 8 में से 0 सब्ट्रैक्ट करो, व्हाट विल कम, 0 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 8, व्हाट विल कम, 8। नेक्स्ट 2 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा, नो, सो वी हैव टू टेक द बोरो। हम बोरो लेंगे फिर से, 9 बन जाएगा 8 और 2 बन जाएगा 12। अब 12 में से 3 सब्ट्रैक्ट करो, 12 में से 3 सब्ट्रैक्ट किए, व्हाट विल कम, 9। नेक्स्ट 8, 6 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 8, व्हाट विल कम, 8 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा बेटा, 8 में से 6 सब्ट्रैक्ट किया, 2। सो द आंसर इज 2981, आंसर इज 2981। क्या क्वेश्चन था, फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस, इन दोनों का पहले क्या करना है हमें, सम करना है। तो फर्स्ट वर्क ये हुआ हमारा, सेकंड वर्क सम ऑफ दिस एंड दिस, इन दोनों का भी सम किया, सेकंड वर्क किया। थर्ड वर्क में क्या करना था, इन दोनों का सम जो आएगा उसमें उसको सब्ट्रैक्ट करना है और जो इन दोनों का सम आएगा, सो द सम ऑफ दिस सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द सम ऑफ द फर्स्ट नंबर, जो द फर्स्ट नंबर का जो सम आया वो बिगर है, उसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है जो सेकंड नंबर्स टू नंबर्स का जो सम आया। दिस क्वेश्चन इज बिगर, यहाँ पे हमें 3 वर्क करने हैं, पहले 2 नंबर्स को ऐड करना है, फिर अगेन 2 नंबर्स को ऐड करना है लास्ट वाले 2 नंबर्स को, फिर जो दोनों के आंसर्स आए फिर हमें सब्ट्रैक्शन करनी है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, दिस क्वेश्चन इज द थर्ड क्वेश्चन, नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज फाइंड द मिसिंग मिन्यूएंट। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, फाइंड द Missing, MISSING, find the missing minuend. Minuend क्या होता है बेटा, minuend क्या होता है subtraction वाले question में, minuend, subtrend, difference। अब देखो इन दो, इन तीनों में सबसे बड़ा number कौन है, first number, minuend। minuend हमेशा bigger होता है, minuend अगर हमें मिनवेंट नहीं गिवन है, टू नंबर्स गिवन है, डिफरेंस और सब्टेंड गिवन है, तो मिनवेंट कैसे मिलता है हमें, इन टू नंबर्स के ऐड करने से। 9 प्लस 1 10, 1 कैरी, 8 प्लस 0 8, 8 और 1 कैरी 9, 9 प्लस 3 12, 12 के लिए 2, 1 कैरी, 6 प्लस 2 8 और 1 कैरी 9। तो अगर हम इन दोनों नंबर्स को ऐड करते हैं तो क्या आ जाता है हमें, हमारा मिनवेंट आता है। अंडरस्टैंड, ये चेकिंग के लिए हम फार्मूला यूज करते थे, अब यहाँ पे क्या आया, फाइंड द मिसिंग मिनवेंट। यहाँ पे मिनवेंट क्या है, मिसिंग है ए पार्ट डैश माइनस 285 इज इक्वल टू 571, और जो बी पार्ट है बेटा डैश माइनस 1477 is equal to 6917. These are given. So what we have to do? Find the missing minuend. Minuend बताना हमें। Minuend कौन सा number होता है, जो सबसे bigger number होता है, क्योंकि bigger number में से ही smaller number subtract होता है। So what? How we have to find the minuend? We have to add the subtrahend plus difference. आंसर क्या होता है सब्ट्रैक्ट करने के बाद, क्योंकि साइन किसका है, सब्ट्रैक्शन का है,
तो ये क्या है हमारा सब ट्रेंड है और ये क्या हमारा डिफरेंस है। अगर हम इस नंबर को और इस नंबर को प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा मिनवेंट 285 प्लस 571। इन दोनों को हमें क्या करना है प्लस 5 प्लस 1 व्हाट विल कम 6, या फिर यहां से ऐड कर सकते हो आप, ये वंस प्लेस है, ये टेंस प्लेस है, ये हंड्रेड प्लेस है, वंस प्लेस टेंस प्लेस हंड्रेड प्लेस, आप डायरेक्ट भी एडिशन कर सकते हो। वंस प्लेस में वंस प्लेस ऐड करो 5 प्लस 1 6, 8 प्लस 7 15, 8 प्लस 7 क्या होता है 15, हाउ मच कैरी 1 कैरी, 1 कैरी अपने फिंगर पे रखोगे आप या माइंड में रखो, 5 प्लस 2 7, 7 और 1 कैरी था हमारे पास, 7 और 1 कैरी 8, 1 कैरी है 5 प्लस 2, 7 और 1 कैरी 8, तो सेम आंसर आया 856। अब सेकंड को हम डायरेक्ट करेंगे, कॉलम्स में अरेंज करके नहीं करेंगे, वी विल ट्राई द डायरेक्ट वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड। क्या निकालना है यहाँ भी हमें मिनवेंट, मिनवेंट क्या होता है बिगर नंबर, बिगर नंबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे ऐड, सबट्रैक्ट प्लस डिफरेंस, 7 प्लस 7, 7 और 7 को ऐड करो, वंस प्लेस में वंस प्लेस ऐड करो, 14 के लिए हम क्या लिखेंगे 4 1 कैरी, 7 प्लस 1 टेंस प्लेस में टेंस प्लेस ऐड करो, 7 प्लस 1 8, 8 और 1 कैरी था हमारे पास, 8 और 1 कैरी 9, नाउ 100 प्लेस प्लस 100 प्लेस, 9 प्लस 4 13, अब कैरी नहीं था तो 13 के लिए 3, नाउ हाउ मच कैरी 1, 1 प्लस 6, 1000 प्लेस में 1000 प्लेस ऐड करो, 6 प्लस 1 7, 7 और 1 कैरी था हमारे पास, व्हाट विल कम 8, अगेन चेक करते हैं हम, 7 प्लस 7 14, 14 के लिए 4, 1 कैरी, 7 प्लस 1 8, 8 और 1 कैरी था 9, 9 प्लस 4 13, 13 के लिए 3, हाउ मच कैरी 1, 6 प्लस 1 7, और 1 कैरी 8, अंडरस्टैंड। सो इन दिस वे वी हैव टू डू द सॉल्यूशन डायरेक्ट ऑल्सो, हम डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हैं। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज बेटा फाइंड द मिसिंग सब ट्रेंड। अब हमें क्या निकालना है सब ट्रेंड, क्वेश्चन नंबर 5th, फाइंड द मिसिंग सब ट्रेंड, एस यू बी टी आर ए एच ई एन डी, फाइंड द मिसिंग सब ट्रेंड, ए पार्ट 626 माइनस मिसिंग 139, बी पार्ट 9632 माइनस मिसिंग नंबर 4054। व्हेन वी फाइंड द डिफरेंस और व्हेन वी फाइंड द सबट्रेंड देन व्हाट वी हैव टू डू, हम क्या करेंगे जो मिनवेंट है, मिनवेंट में से अगर सबट्रेंड सबट्रैक्ट करते हैं, मिनवेंट में माइनस सबट्रेंड तो क्या आता है डिफरेंस, और मिनवेंट माइनस डिफरेंस तो क्या आ जाता है सबट्रेंड। तो अब सबट्रेंड निकालने के लिए हम क्या करेंगे मिनवेंट में से डिफरेंस को सबट्रैक्ट कर देंगे, जो क्वेश्चन में हमें गिवन है उसमें से जो हमें इक्वल के बाद जो आंसर गिवन है वो हम क्या कर देंगे सबट्रैक्ट। अब यहाँ पे ए पार्ट यू हैव टू डू योर सेल्फ, आई विल सॉल्व द बी पार्ट, यहाँ भी आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो, बी पार्ट में क्या गिवन है 9632, आप यहाँ से भी सबट्रैक्ट कर सकते हो कि 2 में से 4 सबट्रैक्ट नहीं हो रहा है, वी हैव टू टेक द बोरो, अदरवाइज यू हैव टू डू द सॉल्यूशन ऑन द रफ वर्क एंड देन यू हैव टू राइट द आंसर इन योर बुक, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड, 2 में से 4 सबट्रैक्ट होगा नहीं होगा, सो व्हाट वी हैव टू डू वी हैव टू टेक द बोरो फ्रॉम द नेक्स्ट प्लेस, 3 नेक्स्ट प्लेस पे 3 है, 3 क्या बन गया 2 और 2 क्या बन गया 12, अब 12 में से हम 4 सबट्रैक्ट कर सकते हैं, यस
12 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया, व्हाट विल कम? 8. नाउ 2 में से 5 सब्ट्रैक्ट होगा, अगेन नहीं होगा. फिर हम बोरो लेंगे नेक्स्ट प्लेस से, 6 क्या बन जाएगा? 5. और 2 क्या बन जाएगा? 12. 12 में से 5 सब्ट्रैक्ट करो, व्हाट विल कम? 7. 12 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? 7. अब नेक्स्ट प्लेस पे कौन है? 5. 5 में से 0 सब्ट्रैक्ट किए, व्हाट विल कम? 5 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 0 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 5, व्हाट विल कम? 5. व्हेन वी सब्ट्रैक्ट 0 फ्रॉम एनी नंबर, किसी भी नंबर में से अगर हम 0 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर क्या आता है? सेम. अब 9 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया, व्हाट विल कम? 5. समझ आया? सो इन दिस वे व्हाट सब्ट्रैक्ट वी गॉट? 5578. 5578. चेकिंग करनी है आपको कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं है. 2 में से 8 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा. 12 में से 8 सब्ट्रैक्ट किया, 4. यहाँ से हमने बोरो लिया था, 3 2 बन गया. 2 में से 7 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, फिर बोरो लेंगे 12 में से 7 सब्ट्रैक्ट किया, 5. फिर यहाँ क्या बनेगा? 5. 5 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया, 0. और 9 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया, 4. दैट मीन्स आवर आंसर इज करेक्ट. सो टुडे वी डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 3rd, 4th and 5th. थर्ड क्वेश्चन मैंने सोल्व कर दिया है. थर्ड क्वेश्चन में आपको 3 वर्क करने हैं. पहले 2 टाइम्स एडिशन करनी है, फिर जो 2 आंसर्स आए आपके एडिशन करने के बाद उनको सब्ट्रैक्ट करना है. फोर्थ क्वेश्चन में फाइंड द मिसिंग मिनुएंड, उसके लिए आप क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट और डिफरेंस दोनों को ऐड कर देंगे, देन यू विल गॉट द आंसर. एंड फाइंड द मिसिंग सब्ट्रैक्ट, ए पार्ट आपको करना है, बी पार्ट मैंने सोल्व किया. इसमें आपको क्या करना है? मिनुएंड में से डिफरेंस को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपका? सब्ट्रैक्ट. ये क्या है हमारा? मिनुएंड. और ये क्या है हमारा? डिफरेंस. और सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या मिल गया हमें? सब्ट्रैक्ट. समझ आया? यहां पे ये हमारा मिनुएंड है, ये सब्ट्रैक्ट है, बट हमें निकालना सब्ट्रैक्ट था. तो अगर हम मिनुएंड में से डिफरेंस सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सब्ट्रैक्ट मिलता है, और अगर मिनुएंड में से सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट करते हैं तो डिफरेंस आता है. अंडरस्टैंड? ओके, थैंक यू.